seas done by Prophet Bijinder Singh are all fulfilled till now. And the Lord talks to him, as the Bible says that everything going to happen in the future on the earth will be told to its servant by the Lord. And the Spirit of Lord told him that there is going to be a fierce fire in Mumbai. You all need to pray. He prophesied on 4th February 2021 and is confirmed by the news channel that there is a fierce fire in Mumbai. पवित्र आत्मा जी तू मुझे दिखा रहा है और बहुत सारे लोग अपने देशों में कुछ ऐसे देशों में खबर सुनेंगे कि ऊपर से कुछ गिरा और आग लग गई। एक बहुत बड़ा हादसा ऐसे भारत में भी होने वाला है। भविष्यवाणी हुई पूरी प्रॉफिट जी के बोलते ही महाराष्ट्र में लगी आग। मानखुर्द से खबर सामने आ रही है भयंकर आग लगने की। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को घटना स्थल पर भेजा गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, भीषण आग की ये तस्वीरें। दूर तक धुएं का ये गुबार यहाँ दिखाई दे रहा है। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कुछ ऐसे देशों में खबर सुनेंगे कि ऊपर से कुछ गिरा और आग लग गई। एक बहुत बड़ा हादसा ऐसे भारत में भी होने वाला है। सौरभ, तस्वीरें तो बेहद डराने वाली हैं। बहुत बड़े स्तर पर ऐसा लग रहा है कि आग लगी है, अगर धुएं से अंदाजा लगाया जाए। क्या परिस्थितियां हैं अभी घटना स्थल पर? आग लगने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग की तीव्रता बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कि आग जो है वो बढ़ती चली जा रही है और आसमान में देखने पर सिर्फ और सिर्फ काले रंग का धुआं और काले रंग के धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ये जो परिसर है मुंबई के मानखुर्द मंडाले इलाके का, इसका यह कुर्ला स्क्रैप यार्ड है और यहाँ पर छोटी मोटी कंपनियां चलती थी, केमिकल कंपनियां थी, साथ ही साथ कई फैक्ट्री यहाँ पर चलते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ कंपनियां अवैध तरीके से चलाई जाती थी। यहाँ पर साबुन बनाने का काम होता था, कई लकड़ियों के काम होते थे, फर्नीचर के काम होते थे। फिलहाल आप देख सकते हैं आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग की दर्जनों गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची हुई हैं। इसे लेवल 3 का कॉल घोषित किया गया है। लेवल 3 का कॉल घोषित करने का मतलब है कि 18 से अधिक गाड़ियां इस पूरे अग्निशमन विभाग द्वारा लगाई गई हैं आग पर काबू पाने के लिए, और प्रयास है कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन आग फैलती ही चली जा रही है। अग्निशमन विभाग की जो गाड़ियां हैं वाहन काफी नजदीक तक गए थे, लेकिन आग की आंच इतनी अधिक है और बीच बीच में जो केमिकल रखे हुए ड्रम है वो ड्रम में ब्लास्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ियों को पीछे लेना पड़ा। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि लकड़ी जलती हुई नजर आ रही है और आग पीछे जो सामान प्लास्टिक के हैं वो जलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा इस पर आग पर काबू पाना और लगातार प्रयास जारी है कि आग पर काबू पाया जा सके। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी से भी इस प्रकार के जो काले धुएं आसमान में उड़ रहे हैं उसे देखा जा सकता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन आग काफी भयावह है और आग पर काबू पाने में काफी ज्यादा वक्त अग्निशमन विभाग को लगेगा। परमेश्वर तू सुधि ले अपने लोगों की, जो लोग मुझे देख रहे हैं समय परमेश्वर। अगर आप भी किसी बीमारी से या समस्या से परेशान हैं, तो आप आ सकते हैं प्रॉफिट बिजेंदर सिंह मिनिस्ट्री में। हर संडे सुबह ताजपुर जलंधर चर्च में और शाम को न्यू चंडीगढ़ चर्च में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 0172-510-777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रॉफिट बिजेंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।